दिन पर दिन गाड़ियां महंगी हो रही हैं, तो गाड़ियों में जान है कोई नहीं। ऐसी गाड़ियां महंगी, तीन टब्बे जैसी गाड़ियां बना रहे हैं। जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उनका पेंट उखड़ना शुरू हो जाता है तीन चार पाँच साल के बाद। छोटी गाड़ी आप लगा लें 16-17 लाख में चली गई है। अब लोगों की बाइंग पावर ही नहीं है, कोविड के बाद सारी चीज़ें वैसे ही डिस्टर्ब हो गई हैं, तो लोग इवन अपनी गाड़ियां बेचने पे मजबूर हो गए। अगर हमारे टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली हमारी प्राइस ज़्यादा होगी। प्राइसेस मार्केट मैकेनिज्म से कंट्रोल हो रही हैं, गवर्नमेंट प्राइसेस कंट्रोल नहीं करती। कई गाड़ियों में हमने, नई गाड़ियों में जीरो मीटर में हमने फ़र्क बताए अगलों से। मैंने कहा कि देख लें जी, यही गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो जाए तो आप हमारे मथे लग जाएंगे। आपके पास मतलब कोई भी अच्छी गाड़ी है जो 1800-2000 cc की गाड़ी है, लगती है आप थोड़ी सी भी आपके पास से कोई टक्कर होके चली जाती है, उस पर कितना ठीक ठाक खर्चा आ जाता है? कस्टमर जब हमारे पास आते हैं तो वो ये गिला करते हैं, यार हम इतने पैसे भी लगा रहे हैं, 20 लगा रहे हैं 15 लाख लगा रहे हैं, तो हमें कोई पेंट का वो लुत्फ जो पहले आता था, जो मज़ा था, वो अभी नहीं मिल रहा। अभी दुनिया लाइट वेट गाड़ियों की तरफ जा रही है और उसमें एरोडायनामिक्स फ्यूल सेविंग का कॉन्सेप्ट है, 147 रेगुलेशन है, उसमें से हम अभी 15 को बेसिकली अडॉप्ट करने जा रहे हैं। जितनी गाड़ी भी पाकिस्तान में बन रही हैं तो इनके पैसे तो लोग देते हैं, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि इनके अंदर एक एयर बैग्स नहीं होते। अगर एयर बैग हमारी रेगुलेशन हो तो फिर पाकिस्तान में हम किसी ऐसी गाड़ी को लाइसेंस नहीं देंगे जिसमें एयर बैग, फर्ज करें 2 एयर बैग की रेगुलेशन हो, तो हम 2 के बगैर वाली को लाइसेंस नहीं देंगे। अगर उस पर टैक्सेस की कमी पे एग्री किया जाता है और डॉलर स्टेबल रहता है, फिर तो आप कह सकते हैं। पहले गाड़ियां जो आई हैं इससे पहले, वो रिपेयर हो जाती थी, उनमें इतनी जान थी, वो डेंटर बना लेता था। अब इतनी पतली चादर है, ये बड़ी मुश्किल से काबू करनी पड़ती है हमें। मटेरियल ज़रा अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी, उसमें उस कितनी लाइफ बढ़ेगी, तो उसकी उससे अपना उनका जो है वो नाम भी मशहूर होता है, रिड्यूज़ होता है, तो उनमें उनको अपना ही फ़ायदा है। अब मुकाबला जब होगा तो क्वालिटी पे ही होगा, क्वालिटी और प्राइस पे ही होगा, और इस वक्त कंपनीज आ चुकी हुई हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें सपोर्ट करे, हमारे कोई अच्छी हेल्दी वो जो इनिशिएटिव ले, ताकि आवाम को भी तो कोई सहूलत मिले।